कोरोना व्हायरसनं संपूर्ण जगात थैमान घातलंय. भारतातही कोरोनाबाधितांचा आकडा चिंता वाढवणार आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जनजीवन ठप्प पडलंय. लोक घरात कैद आहेत. अशा देशातील प्रत्येक जण आपापल्या परीने कोरोनाशी लढतोय. देशातील सेलिब्रिटी वेगवेगळ्या प्रकारे जनजागृती करतायत. आता सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांनी एकत्र येऊन एक शॉर्ट फिल्म बनवली आहे. फॅमिली असं या शॉर्ट फिल्मचं नाव आहे. या शॉर्ट फिल्मचं वैशिष्ट्य म्हणजे घरातून बाहेर न पडता आपापल्या घरात राहून या शॉर्ट फिल्मचं शूटिंग करण्यात आलंय. अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, मामुटी, रणबीर कपूर, प्रियंका चोप्रा, आलिया भट्ट, दिलजीत दोसांझ, सोनाली कुलकर्णी असे दिग्गज कलाकार यात आहेत. यापैकी सर्वांनी लॉकडाऊनचं तंतोतंत पालन करून आपापल्या घरात राहून ही शॉर्ट फिल्म साकारली आहे. अर्थात ती पाहताना हे लोक एकत्र नाहीत असं क्षणभरही जाणवत नाही. प्रसून पांडे यांच्या कल्पनेतून साकारलेली ही शॉर्ट फिल्म पाहणं एक वेगळा अनुभव आहे. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं शिवाय त्यांचं मनोरंजन करणं हा या शॉर्ट फिल्मचा एकमेव उद्देश आहे. शिवाय यातून होणाऱ्या कमाईतून 1,00,000 गरजूंना महिन्याभराचं रेशन पुरवण्यात येणार आहे. अमिताभ यांनी ही शॉर्ट फिल्म शेअर केली आहे. ये एक अद्भुत, अकल्पनीय और असाधारण प्रयत्न है जो ना पहले कभी देखा गया है और ना कभी हुआ है. एक संकल्प है आपके लिए, हम सबके लिए, असं अमिताभ या व्हिडिओत म्हणताय. तुर्तास या शॉर्ट फिल्मवर लोकांच्या उड्या पडत आहेत. काही तासातच लाखो लोकांनी ही शॉर्ट फिल्म पाहिली. अरे सुनो, अरे सुन रही हो, वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है. सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है. शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी. मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा. सुन रही हो? ओ बर्बीटा, कोई और थोड़ा सोचती थी पांडव. पागल हो गया पाजी, सोना होना मैं. ओ बीरे, अंकल का काला चश्मा घूम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में. मैं क्यों मदद करूं, तू उठाए, तू जा, मैं सो रहा हूं गुन्ने. पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो. मैं उठा नहीं हूं, तूने मुझे उठाया है तो तू जा. बस कर रहा था, चला मदद करा त्यांना, दोघा मिळून शोधा त्यांचा चश्मा. चला ते बिन्ने मदले इन कुंडो ले चलियो इले रेंडे रे. ഒരു പഴയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് അല്ലേ, അമിത്ജിയോട് ഞങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പുതിയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആശാനെ, ആശാനെ കുറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഗ്ലാസ് വേണം? ഇതാ ഇല്ല, ഇതാ. ചീറ്റിംഗ് ആണ്, ജബി മേ കൺഫ്യൂസ് ഹോത്താ ആ ദോനോ ലാംഗ്വേജ് ബദൽ കി മുജെ ഓർ കൺഫ്യൂസ് കർ ദേതേ ഹോ. അങ്കൽ ജി, ഓയ് ഓയ് അങ്കൽ ജി, ഏണ്ട കൊട്ടടോ തലുപ്പി ഇരുപോകലദു. ఏం కావాలి? ఓ కాళా చచ్చబా నీ మిల్రా, బాత్రూమ్ మే దునియా ఆయా. అరే ఈ బాత్రూమ్ లోకి నీళ్ళే రావట్లేదు, ఇంకా కళ్ళజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మామా అంకజీకి కళ్ళ చేసిన పోగా దేఖా ఆల్రెడీ కళ్ళు చూసింది, నన్ను ఎంగ నోడ్లీ బ్రో, వదిలి నోడుకో, అమ్మ నాకు నోడుతుంది. సో ముజే మామా క్యూ మనా రే ఆజ్? అరే ఛలే దుటు తో మాదా ఖరాబ్ హో గచ్చే, ఏక్ జన్ ఎసే ఏక్ట ప్రశ్న కర్చే, పోరక్ జన్ ఎసే సేయ్ ఏకీ ప్రశ్న కర్చే. ఆప్ని ఈ సన్‌గ్లాస్టా కోతో దేఖేచెన్? న్యాన ఇల్ల కండిల్ల അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ആ കണ്ണാടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ കണ്ണാടി? ഹലോ, ഓ തുജെ ഫോൺ ക്യൂ കർ റഹാ ഹൂ, മേ തേരെ പീച്ചേ ഹൂ, തു മുജെ ബാർ ബാർ ഫോൺ ക്യൂ കർതാ ഹൈ? ഓ അങ്കൽ കാ കാലാ ചച്ചമാ നീ മിൽ റഹാ, തുനെ ദേഖാ കഹീ? ഹാ ദേഖാ ഥാ, ഫിർ മൈനെ യേ ലേ. तुम छोड़ो, मैं दे दूंगी. अरे भाभी, ये लीजिए. अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए. थैंक यू. काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं. कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा. अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला. जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की. कोई भी घर से बाहर नहीं निकला. आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस
खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है। हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स, जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ, दिस टू शैल पास। टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद। फिल्मी दुनियेतल्या ताज्या घडामोडींसाठी आणि गॉसिपसाठी नक्की पाहत रहा लोकमत सीएनएक्स फिल्मी।